निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राकेश रोशन देश की पहली सुपरहीरो फ्रेंचाइजी क्रिश के फोर्थ पार्ट को बेहतर बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वो अब भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और इसी बीच खबरें बताती हैं आने वाली फिल्म में क्रिश को एवेंजर्स एंड गेम फिल्म की तरह टाइम ट्रेवल करते देखा जाएगा। क्रिश का पास्ट में जाने का मकसद अपने मरे हुए पिता साइंटिस्ट रोहित मेहरा को वापस लाने का रहेगा। पिछले कुछ महीने से लगातार इस फिल्म को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। जब से ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 रिलीज हुई है, उसके बाद से ही राकेश रोशन फोर्थ पार्ट को और बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच उन्हें गले के कैंसर से भी जूझना पड़ा, लेकिन फिल्म के स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए लॉकडाउन में उन्हें भरपूर वक्त मिल गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि राकेश रोशन इस फिल्म में सुपर विलेंस की सेना खड़ी करना चाहते हैं जो हीरो से लड़ेगी। जैसे कि सिनेमा का समय बदल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए राकेश रोशन अपनी इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर भरपूर ध्यान देंगे। खबरें बताती हैं कि राकेश अपनी इस फिल्म के लिए विजुअल इफेक्ट्स पर काम करने की जिम्मेदारी शाहरुख खान के प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को देने वाले हैं। इसके अलावा फिल्म के विलेंस को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड डिजाइनर को हायर करेंगे। इस सीरीज को पिछले दो फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी ऋतिक रोशन दोहरा किरदार निभाएंगे। कहानी के हिसाब से पिछली फिल्म में ऋतिक के पिता रोहित मेहरा को काल ने मार दिया था, अब इस फिल्म में ऋतिक की कोशिश अपने मरे हुए पिता को वापस लाने की रहेगी। खबर तो ये भी बताती है कि इस फिल्म में साल 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया का किरदार जादू भी नजर आएगा। साइंस फिक्शन फिल्म की शूटिंग अगले साल जनवरी से शुरू होने वाली है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।